दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन अगर ये कहानी पसंद आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मुझे मेरी मेहनत का इनाम जरूर देना। दोस्तों, यह कहानी है एक लड़की की जिसे लिखने का बहुत शौक था। 6 साल की उम्र में उसने एक खरगोश के ऊपर कहानी लिखी थी जिसे पॉक्स की बीमारी थी। उसने वो कहानी अपनी माँ को सुनाई। उन्हें वो कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, वो किताबों और फैंटसी की दुनिया में जीती थी और एक नोटबुक में अपने थॉट लिखा करती थी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती और उसी बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो जाता। इसी वजह से वह डिप्रेशन में चली जाती। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में एक इंग्लिश टीचर का जॉब देखा जो कि न्यूज़पेपर पुर्तगाल का था। उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वह पुर्तगाल चली गई और पुर्तगाल में उसने एक इंग्लिश टीचर की जॉब की और वहाँ उसे एक जर्नलिस्ट मिला जिससे उसका विचार बहुत ज़्यादा मिलता था और उससे मिलना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। 1 साल तक रिलेशनशिप चला, उसके बाद उसने उसी लड़के से शादी कर ली। अभी उसके लाइफ संभली नहीं थी कि एक और प्रॉब्लम्स उसको झेलना पड़ा। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। पुर्तगाल में उसके पति के अलावा उसका कोई नहीं था। वो लाचार थी, वो बेबस थी, इसीलिए वो अपने घर वापस चली आई। तो क्या लगता है आपको, ये लड़की कैसे आगे लाइफ में जीती होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसने अपने सपने को फॉलो किया, जो उसके लाइफ में गोल्स थे उसको अचीव करने की कोशिश की और वो दिन रात अपने बुक को लिखने लगी। उसने एक टीचर की जॉब की और एक रूम को भाड़े पे लेकर रहा, लेकिन वो अपने सपने को लिखती गई और 13 पब्लिशर ने उसके बुक को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि इसमें कोई स्टोरी ही नहीं है और आज उस बुक को वर्ल्ड का बेस्ट बुक माना जाता है। हैरी पॉटर सीरीज जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिकने वाले बुक्स में से एक है हैरी पॉटर सीरीज। और ये एक पहली महिला है जो सिर्फ बुक्स के दम पे बिलियनियर बन चुकी है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन हमसे उससे लड़ना है या फिर पीछे हट जाना है, ये पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है। हम ये चाहेंगे तो लड़ जाएंगे और हम ही चाहेंगे तो पीछे हट जाएंगे। ध्यान देना, पीछे हटने वाले कभी लीजेंड नहीं बनते और लड़ने वाले हमेशा लीजेंड बनते हैं, हमेशा सक्सेस होते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पीछे हट जाते हो या उसी प्रॉब्लम से लड़ जाते हो, डिपेंड आप पे करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, लव यू ऑल।